जी, और अगर हम बात करें तो कैसा लग रहा है? और ये विशेष रूप से पटका मुझे और मनोज जी को, सबको ही पहनाया गया है, रामनामी पटका पहनाया गया है। मनोज जी, आते ही सबका स्वागत जो है वो जय श्री राम से किया जा रहा है। सबको ये राम नाम का जो पटका है, भगवा पटका पहनाया जा रहा है और राम नाम का मंत्र जाप भी हो रहा है। और अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा है, जिस अभिजीत मुहूर्त में जी भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे, आदिकाल से रहेंगे। और आज जो आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत भावुक हूं मैं इस समय, बहुत भावुक हूं कि जो कार सेवा के लिए निकले थे उस समय मैं भी निकला था, और आज यह प्रत्यक्ष रूप देख रहा हूं। इतना भव्य दिव्य मंदिर और एक दिव्यता की अनुभूति है जी, शब्दातीत है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी जी बिल्कुल, इतनी अद्भुत, मतलब हृदय में ऐसी भावना है कि प्रत्यक्ष ईश्वर को देख रहे हैं। और ये दिव्य, एक मंदिर का दिव्य रूप, जरा आप अपनी भाषण में अगर आप बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे। ये देखिए, ये इतना भव्य दिव्य मंदिर, ऐसा लग रहा है सच में भारत वर्ष में राम राज्य की आरंभ हो चुका है। और ये देखिए, ये इतनी विशाल, ये कभी कल्पना भी नहीं की थी, कल्पना से बाहर। उनकी तस्वीर, उनकी एक फिल्म भी आ चुकी है, राम पर ही आधारित है वो फिल्म। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वीआईपी इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद हैं और समारोह स्थल पर एक एक कर पहुंच भी रहे हैं, जहां पर उनके बैठने का इंतजाम किया गया है, जहां से वो बैठकर वो पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सकेंगे। इन तस्वीरों में आप अनुपम खेर, रामचरण, चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कटरीना और विकी कौशल को देख रहे हैं, रणबीर और आलिया को देख रहे हैं, वहीं माधुरी दीक्षित, उनके पति डॉक्टर नेने को भी आप देख पा रहे हैं। और तमाम और वीआईपीस पहुंचे हैं, हजारों की संख्या है वीआईपीस की जो इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद है, और देश विदेश से हजारों की संख्या में साधु संत भी पहुंचे हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं, हनुमानगढ़ी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, आपके पास आती हूं, वहां पर और कौन कौन पहुंचा है? वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि जिन्हें इंतजार इस पल का था, शायद उनके लिए एक एक पल आज भी सदियों सा बीत रहा हो, लेकिन वहां कैसे सभी पहुंच रहे हैं वो तस्वीर दिखाइए। देखिए, मेनका, यहाँ पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तमाम साधु संत, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन हरीश से जरा दिखाएं कि किस तरीके से संत समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितना बड़ा दिन मान रहे हैं आज आप? ये बहुत ही दिव्य मुहूर्त है, और जिस मुहूर्त का इंतजार हम सभी को था सैकड़ों वर्षों से, राम का प्राकट्य जिस वजह से हुआ है, विप्रधेनु सुर संत हिता लीने मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर और संत, वर्तमान राम आ गए तो वर्तमान गौ माता की संस्कृति भी आ जाएगी, और सनातन संस्कृति की जो पांच स्तंभ हैं, गुरु, गंगा, गीता, गौ, गायत्री, वो सब कुछ मानव के हृदय में स्पंदित होने लगेगा। सर, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए होंगे आपने, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दर्शन किया हमने। हम वैसे गुजरात से आ रहे हैं, सूरत से, और ये राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये तो एक अपने हिंदुस्तान के लिए, विश्व के लिए अद्वितीय कार्य हो रहा है। आज 22 जनवरी का प्रोग्राम देखने के लिए कई 500 वर्ष से लगभग लोग इंतजार कर करके, हमारे बुजुर्ग लोग थक गए, चले भी गए आशा लेकर, सपना लेकर, अने आज उसका फायदा हम लोग को मिला है। जय श्री राम। और भी कुछ लोग हैं, मेनका, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सपना साकार हो गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत बहुत बढ़िया है। ये इस सपना साकार ही नहीं, बहुत लोगों का जो है, बहुत लोगों को शांति मिलेगी, एक बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, और पूरे विश्व में ये जो है पूरे मानवता का उत्थान होगा, क्योंकि राम ऐसे ऐसे व्यक्तित्व है जिसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, पूरे विश्व को फॉलो करना चाहिए। देखिए मेनका, ये देख रही हैं आप कि किस तरीके से साधु संत और तमाम लोग, मैं चाहूंगा कैमरामैन हरीश से एक बार जरा हनुमानगढ़ी की वो तस्वीर दिखाएं बाहर की, किस तरीके से फूलों से आज सजावट की गई है, और जो तमाम वीवीआईपी यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो यहां पर
इस दिव्यता और भव्यता को यहां पर देख रहे हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में जब आपका आगमन हो और अयोध्या नगरी में जब आप भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग आते हैं वो यहां पर हनुमानगढ़ी में आकर के पहले दर्शन करते हैं और भगवान हनुमान के आगे मत्था टेकते हैं, उसके बाद जाकर के भगवान रामलला के दर्शन करते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बिल्कुल कहां से अनुपम हैं? और यही कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के हनुमान जी वो अयोध्या नगरी को देखते भी हैं, मैनेज भी वही करते हैं और अयोध्या नगरी के इस वक्त तो राजा वही है और उनके आशीर्वाद के बाद ही राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु जाते हैं। राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, अवधपुरी के ही रहने वाले हैं, बदलती अयोध्या को भी उन्होंने देखा, राम को इस वक्त वो किस तरह से वर्णन कर रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। राकेश जी, अयोध्यापुरी के लिए क्या चौपाई है, राम जी आज क्या आशीर्वाद किस तरह से देंगे? देखिए, आज अयोध्यापुरी के लिए तो हमने बोल दिया कि वह दुल्हन सी सजी है, लेकिन आज अयोध्या वासियों के हृदय में क्या उत्सुकता है देखिए सुनिएगा कैसे वर्णन है। हजारों वर्ष पहले इसका वर्णन कर दिया गया कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी, कि मतलब हुआ ये तो अयोध्या की महिमा थी। उसके बाद अब क्या कहते हैं अयोध्यावासी, क्या कहते हैं कि सब लोग जो हैं वह सभी लोग जो हैं कि राम रूप को निहार रहे। जैसे आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी जब आए, सभी लोग जब उनकी मूर्तियां आई प्रत्यक्ष रूप से, तो आपने देखा कि सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं और मंगल जान कमल नयन जल रो कहीं। आप देखते होंगे कि कमल का पुष्प कुछ शुद्ध जो ओस की बूंदे हैं उनको समेट लेता है अपने आप में। तो हर किसी के हृदय में आज वह उत्सुकता है, वह खुशी है और खुशी के आंसू हैं, लेकिन मंगल चरण जान करके, मंगल शुभ घड़ी जान करके हर कोई अपने हृदय में कमल पुष्प की तरह उन आंसुओं को दबा करके सिर्फ भगवान श्री राम के उस सुंदर मुख को देखना चाहता है। लेकिन भगवान के फैन है और के कारण जी अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, मन में क्या एहसास है? ऐतिहासिक क्षण है पूरी प्रकृति के लिए जी, हम इस योग्य हुए कि हम ईश्वर के आवास की दो ईंट सीधी रखने का कौशल अपने जीवन में ला सके जी। भगवान ऐसी शक्ति हमें देश को दे, जो शेष कार्य है भगवान अपमान चिन्ह विश्व में जहाँ जहाँ है उन सबको निरर्थक करके पुनः भगवान प्रतिष्ठित हो। मैं ऐसा ही पुण्यफल यथाशीघ्र काशी जी में और मथुरा जी में देखना चाहता हूँ। भगवान के लिए अगर दो लाइनें बोल ली हो तो क्या बोलेंगे? इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से। मानवता की पिया के सबसे सुंदर सपने राम जी, दिव्यावाणी हर ज्योति होती राम जी, जी गुरुजन परिजन में अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने अपने। तो ये थे मार्थस कुमार विश्वास, हमारे साथ दीपिका जी हैं और इस समय मैं देखिए ये इधर वीआईपी एंक्लोजर में बैठा हुआ हूँ, मनोज जोशी मेरे साथी हैं आप देख सकते हैं, और आप पीछे कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े सारे लोग तुम्हारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी जो इस वक्त मौजूद है और वहां पर उन्हें भी आमंत्रण मिला है और वो यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखने के लिए मौजूद है और वहां पर जो वीआईपीज हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं वो